जब पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया कि आप कौन सी वैक्सीन लेना पसंद करोगे, भारत की वैक्सीन या चाइना की वैक्सीन, तब पाकिस्तान के लोगों ने क्या जवाब दिए, चलो देखते हैं। अच्छा, अगर आपको ऑप्शन दी जाए इंडिया और चाइना, इन दोनों की वैक्सीन में से एक की चूज करने की, तो कौन सी चूज करेंगे? इंडिया की करेंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इंडिया का पाकिस्तान का हमारा वो एक रिश्ता है ना, उस तरह का, क्योंकि उनकी वो चाइनीज शक्लें और तरह के, पता नहीं वैक्सीन काम करे कि ना करे। पाकिस्तान की इंडिया की कर देंगी, शक्लें भी सेम है, इकट्ठे रहे हैं काफ़ी देर, मेरे ख्याल से तो मतलब काम कर जाएगी। ये तो इलाज है, इलाज के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। वैसे भी यहाँ से लोग इंडिया इलाज करवाने भी जाते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मोस्टली लोग पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं। अगर चाइना और इंडिया की बात की जाए तो फिर आई विल डेफिनेटली गो फॉर इंडिया। इंडिया की वैक्सीन अच्छी है एंड आई हैव मैंने लोगों से पूछा है, मेरे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से, एंड दे हैव किसी एक ने यूज़ की है एंड दे से दैट्स गुड, वैक्सीन अच्छी है। चाइना से तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है इंडिया की, जो वो यूज़ करें डेफिनेटली, अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं आई विल गो फॉर इंडिया। हाँ, इंडिया की बिल्कुल, इंडिया की, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी है। इंडिया की वैक्सीन यूज़ करें, सब यूज़ करें, मैंने भी यूज़ किया है इंडिया की। क्यों? ऐसे ही बस, इंडिया ज़्यादा बेहतर है, वो ब्रांड की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इसलिए ना, चाइना की फिर चाइना की होती है ना। पाकिस्तान के लोगों ने भी माना कि भारत की वैक्सीन दुनिया की नंबर वन की वैक्सीन है। पाकिस्तान के लोग भारत की वैक्सीन लेने के लिए तरस रहे हैं। जहां भारत में 200-300 में वैक्सीन मिल रही है, वहीं पाकिस्तान में एक वैक्सीन के लिए 10,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। इंडियन रुपीस 250 में ऑस्ट्राजेनिका जो है वो वहां पे लगाई जा रही है एक शख्स को, जबकि पाकिस्तान में जो कीमत है एक और वैक्सीन की वो नाकाबले, जिसे कहते हैं ना, एक अफोर्ड नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा कीमत है। हम जैसे ममालिक जहाँ पर जो अपनी वैक्सीन खुद नहीं बना रहे, वो वैक्सीन के लिए मोहताज होंगे। जब आप प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट की भी इजाज़त देंगे तो वो एक सर्टन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ही उससे फ़ायदा उठा सकेगी। जहाँ 15-20 हज़ार रुपये की वैक्सीन और घर में अगर 6 लोग हों तो कितने लोग हैं जो 1 लाख रुपये की वैक्सीन लगवा सकेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी थी अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, बिल्कुल ठीक है। एंड मतलब वो होता है ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हमारा था ही सिर्फ प्लान, अल्लाह के, अल्लाह देगा नहीं, अल्लाह के नाम पे सर। ये देखिए, थी हमारा प्लान था, हमारा प्लान डबल सी था, चाइना एंड चैरिटी। हाँ, ये हमारा प्लान था exactly. कि या तो चीन भैया, यार भैया वो हमें सेट कर देगा। अच्छा। नहीं तो खैरात से दोनों तरफ। अच्छा, आप पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता तो देखिए। पाकिस्तान को वैक्सीन कहाँ से मिलने वाली है? एक तो चाइना भीख में देगा या कोई खैरात में देगा। हम बॉम बनाएंगे लेकिन वैक्सीन नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ मारने का काम करते हैं, बचाने का काम हम कभी करते ही नहीं। वैक्सीन की कमी के कारण पाकिस्तान में क्या हाल है, चलो देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के लाहौर सर्विस अस्पताल से 550 वैक्सीन डोज गायब हो गई है, इसे लेकर देश में बवाल मच गया है। पाकिस्तान में लाखों लोग कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान में वैक्सीन की चोरी भी शुरू हो गई है। लाहौर सर्विस अस्पताल से 550 वैक्सीन डोज गायब हो गई है। पाकिस्तान की जियो न्यूज ने हेल्थ डिपार्टमेंट के सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी। पड़ोसी मुल्क कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। हर दिन बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में इमरान खान की सरकार पर ऊपर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के अनुसार शहर के सरकारी मोजांग टीचिंग अस्पताल में रखे गए 350 कोरोना वायरस वैक्सीन की अतिरिक्त डोज बेकार हो गई है। वही 550 वैक्सीन डोज गायब हो गई है, जिनके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है। सूत्रों ने बताया कि गायब हुए वैक्सीन को प्रमुख लोगों, नौकरशाहों और उनके दोस्तों को लगाना था। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के आवास मंत्री तारिक बशीर चीमा और उनकी पत्नी को गायब हुई डोज में से वैक्सीन दी गई थी। दूसरी ओर लाहौर सर्विस अस्पताल के प्रमुख ने वैक्सीन गायब होने के बाद लीपापोती शुरू कर दी है। उनका कहना है कि वैक्सीन गायब नहीं हुई है, बल्कि इनके रिकॉर्ड्स रखने में समस्या आई है। प्रांतीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर यास्मीन रशीद ने कहा कि सरकार वैक्सीन के डोज की एक ऑडिट कर रही है
और इससे संबंधित एक रिपोर्ट जल्द ही सौंपी जाएगी। वहीं राज्य सरकार ने वैक्सीन की 350 डोज बर्बाद होने के बाद लाहौर अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक को निलंबित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मोजांग अस्पताल में स्टोर किए गए वैक्सीन की 350 डोज को सही तापमान पर रखने की जरूरत थी, लेकिन इसके मौजूद नहीं होने के चलते वैक्सीन डोज बर्बाद हो गई। वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाना था, लेकिन अस्पताल में कर्मचारियों ने उन्हें फ्रीजर में रख दिया। इस कारण वैक्सीन की